आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पर। मैं हूं भास्कर सर और आज का जो टॉपिक है वो है इंजेक्शन। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन हैं, कहाँ पे कैसे पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है और किस तरह के जो इंजेक्शन हैं उनका रूट क्या है, कौन सी साइट है, कहाँ पर उस इंजेक्शन को देना है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर देना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो नॉलेज है वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं या जो पेशेवर हैं, प्रैक्टिस में हैं, वो भी इन चीज़ों को जान सकते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो आपको कोशिश करनी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जो भी नॉलेज है मेडिकल से रिलेटेड या जो भी एजुकेशन से जो भी रिलेटेड जो नॉलेज है मैं आपको यहाँ पे दूंगा, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है टॉपिक को लेकर के तो आप कमेंट में पूछ दीजिए, तो मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करूँगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि इंजेक्शन के कितने टाइप होते हैं। मतलब इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में अगर देखें तो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन में आपको बहुत सारा टाइप दिखेगा, तो टाइप भी मैं बता दूं। पहला है इंट्रावेनस, जिसको आईवी भी कहा जाता है। दूसरा है इंट्रामस्कुलर, जिसको आईएम कहा जाता है। फिर थर्ड है सबक्यूटेनस, इंट्रा आर्टेरियल ये फोर्थ है, इंट्रा आर्टिकुलर फिफ्थ, इंट्रा थीकल जो है सिक्स है और इंट्राडर्मल सेवन नंबर। मतलब कि टाइप्स ऑफ इंजेक्शन में अगर जो इंजेक्शन अगर देखें तो सात तरह के इंजेक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और अगर जो दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को कैसे पेशेंट को देना है, किस साइट पे या किस जगह पे इसको लगाया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ जिसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि हमारा मसल नीचे लोकेट किया गया, नीचे दिखाया गया है। अगर लोकेशन में देखें मसल को तो सबसे निचला हिस्सा मसल का है, फिर उसके ऊपर आपको दिखेगा सबक्यूटेनस टिश्यू और सबसे ऊपरी जो लेयर है वो है स्किन की। तो अगर आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है तो आपको जैसे फिगर में दिखा रहा है उसी तरह से आपको इंजेक्शन का जो नीडिल है उसको डीप अंदर तक एंटर कर देना है और मसल तक ले जा करके 90 डिग्री पे दवा को लगा देना, छोड़ देना है जैसे फिगर में दिखाया गया है। और उसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन दिखा दूं कि जिसमें ह्यूमन जो मानव शरीर का जो त्वचा है उसमें कितने तरह के लेयर होते हैं, सतह कितनी होती है, तो वो दिखा दें। तो पहली जो सतह है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरा है डर्मिस, तीसरा सबक्यूटेनस टिश्यू बोला जाता है और चौथा जो है मसल। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस टिश्यू और मसल। अगर बारी बारी से इंजेक्शन का एक्सप्लेनेशन दूं तो पहला जो इंजेक्शन है आईएम, जिसको इंट्रामस्कुलर कहा जाता है। तो अगर फिगर में देखेंगे तो आपको इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे दिखा रहा है कि 90 डिग्री पे इसमें नीडल सीधे जाएगी मसल तक और 90 डिग्री पे इसको देना है। और अगर सबक्यूटेनस इंजेक्शन अगर देखें तो ये 45 डिग्री पर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया उसी तरह से आपको 45 डिग्री पर देना है, ये सबक्यूटेनस टिश्यू तक ही जाएगा। फिर इंट्रावेनस है तो इंट्रावेनस को 25 डिग्री पर देना है। और अगर इंट्राडर्मल अगर देखें तो ये 10 डिग्री या 15 डिग्री पे आप इसको लगा सकते हो। तो फिगर में आपको सारी चीज़ें बारी बारी से मैं शो कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा ताकि अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर उसके बाद से अगर आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट को देना है, अगर आप शोल्डर पे देना चाहते हो, अगर इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है आईएम जो है इंट्रामस्कुलर अगर आप देना चाहते हो तो शोल्डर पे अगर आपको लगाना है तो सिंपली आपको अपना थंब और जो स्मॉल फिंगर है मिडिल फिंगर से स्मॉल फिंगर के बीच गैप करेंगे, शोल्डर पे रखेंगे और जैसा फिगर में शो कर रहा है उसी तरह से आपको इसको नाप लेना है। और बीच में जो साइट आपको दिखा रही है उसी साइट पे आपको इंजेक्शन को दे देना है या 45 डिग्री पे आपको इसको लगा देना है। अगर आपको हिप पे इंजेक्शन देना है वो भी इंट्रामस्कुलर हिप पे अगर आपको लगाना है तो जैसा कि फिगर में शो कर रहा है
तो उसी तरह से आपको ये जो फिगर में जैसा दिखा रहा है, मैंने तीन पार्ट जो है उसमें क्रॉस लगा हुआ है वो दिखाया, वो फिगर में तो तीन पार्ट में क्रॉस लगा है, उस जगह पे आपको नहीं देना है। जो चौथा जो पार्ट है जिसपे टिक का ऑप्शन लगा रहा है, टिक दिखा हुआ है आपको, तो उस टिक वाले जगह पे आपको इंजेक्शन लगा देना है। तो ये 90 डिग्री पर लगेगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है हिप की जो मसल होती है थोड़ी ठीक होती है, तो वहाँ पे आप 90 डिग्री पे इंजेक्शन को दे सकते हैं। तो जितने भी इंजेक्शन के टाइप थे मैंने सारे इंजेक्शन के टाइप बारी बारी से समझा दिए, और इंट्रामस्कुलर को मैंने अच्छे तरह से समझा दिया कि आपको इंट्रामस्कुलर कैसे लगाना है। तो आशा करता हूँ कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और टाइप्स ऑफ इंजेक्शन जितने भी थे आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे।